again your next topic, that is cube of rational numbers. कोई रेशनल नंबर गिवन है उसके क्यूब रूट्स फाइंड आउट करना, सॉरी क्यूब रूट्स, क्यूब नहीं, क्यूब रूट्स को फाइंड आउट करना। तो कोई रेशनल नंबर गिवन है, सपोज आपके कोई भी रेशनल नंबर गिवन हो एज पी बाई क्यू, दैट इज योर रेशनल नंबर, एंड फाइंड इट्स क्यूब रूट्स, इसको फाइंड आउट करना है। तो फाइनली इस नंबर को फाइंड आउट करने के लिए इसको सेपरेट कर लेंगे, मीन्स सेपरेट मीन्स इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से हमने इसको सेपरेट कर लिया, मीन्स नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लिया, एंड अदरवाइज इसको अगेन सेपरेट करके फिर इसके हम क्यूब रूट्स को फाइंड आउट कर सकेंगे। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, कोई नंबर लेते हैं। एग्जांपल्स में क्वेश्चन है, फर्स्ट फाइंड 125 by 216, find its cube roots. आप देख रहे हैं इसकी cube roots को find out करना है। तो finally cube roots को find out करने के लिए, otherwise इसको यदि solve हो रहे हैं, कट रहे हैं number, तो पहले इसको जिस तरह से हमने separate किया है, इसको आप separate कर लें। तो हमने इसको separate कर लिया। तो आप 5 125 का factor होगा 5 into 5 into 5, and 216 का factor होगा 6 into 6 into 6, that is 216, है ना? इसके अकॉर्डिंग अब इस नंबर्स को हमने क्या किया, सेपरेट कर लिया। तो फाइनली इसको लिख सकते हैं 5 cube and root 3 and 6 cube root 3, एंड इसके पावर क्या होंगे, कैंसिलेशन होगा, That means 5 by 6, that is your answer. Means आपने क्या देखा, रेशनल नंबर्स के हमने क्या किया, इसको क्यूब रूट्स को फाइंड आउट किया, तो ये रेशनल नंबर्स ही आए। कुछ ऐसे अदर एग्जाम्पल्स को हमने अगेन हम लेते हैं, कोई एग्जाम्पल्स लेते हैं। एग्जाम्पल्स अगेन 512 by 728, अब इस नंबर्स के क्यूब रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो फाइनली हमने देखा क्या है, नंबर्स को सेपरेट करना, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को सेपरेट करना, मीन्स 5 को लिख सकते हो आप 512 को 8 multiply 8 multiply 8 एंड अंडर क्यूब रूट्स, एंड 16 28 को आप लिख सकते हैं 12 multiply 12 multiply 12 एंड दैट इज अंडर रूट्स। अब इसको क्या कर सकते हैं, अब इसको फाइनली फाइनलाइज कर सकते हैं, क्या इसको फाइनलाइज कर सकते हैं, 8 मीन्स 8 पावर क्यू बाय 12 पावर क्यू, दैट विल बी 3। आप इसको या तो अदरवाइज इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं, तो सॉल्व भी करेंगे तो फाइनली ये फाइंड आउट होगा, दैट इज 8 by 12, एंड 8 बाई 12 को फाइंड आउट कर सकते हैं 4 2 8 एंड 4 3 12, दैट मीन्स 2 by 3, ये 2 by 3, ये आंसर आ जाएंगे 2 by 3, एंड अगेन 3 में देखेंगे। कोई नंबर्स का एग्जांपल लेते हैं, सपोज 729 by 343, माइनस दे दिया हमने, माइनस दे दिया 729। अब इस नंबर्स को फाइंड आउट करना है, इस नंबर के क्यूब रूट्स लाने हैं। माइनस में है, माइनस मीन्स क्यूब, इसके फॉर्म फैक्टर माइनस में लाना है। यू नो दैट 729 ये 9 का क्यूब होता है, तो दैट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं 9 multiply 9 sorry -9 multiply -9 multiply -9 एंड अंडर रूट्स 3 डिवाइडेड बाय 343, एंड 343 दैट इज द क्यूब ऑफ 7 multiply 7 multiply 7, फाइनलाइज फाइनली आएंगे -9 अपॉन